भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष डॉक्टर राजजी बरभा, यहां से लोकप्रिय सांसद श्रीमती सावित्री सिंह ठाकुर जी, पूर्व विधायक श्री खेमराज जी पाटीदार, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्री प्रकाश राव जी सावन, अध्यक्ष कृषि उपज मंडी समिति बदनावर श्री अमर सिंह जी मुनिया, अध्यक्ष मार्केटिंग सोसाइटी श्री नारायण सिंह जी देवड़ा, नगर अध्यक्ष गजेंद्र जी भट्ट, अध्यक्ष ग्रामीण मंडल श्री गजेंद्र सिंह जी, अध्यक्ष कानवन मंडल श्री सुनील जी मोदी, अध्यक्ष सादलपुर मंडल श्री राजेश जी वर्मा, कार्यक्रम के संचालक श्री राजेंद्र जी, विष्णुदत्त जी शर्मा और इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक और वर्तमान में चल रहे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान भंवर सिंह जी शेखावत और उपस्थित भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा है। 28 नवंबर को आप सबको प्रदेश के अंदर एक लोकप्रिय सरकार के चयन के लिए मतदान करना है। मित्रों, आज से 15 वर्ष पहले तक मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये सब बीमारू राज्य होने के कारण जहां पे जनता को बुनियादी सुविधाएं न मिलती हो, न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न किसानों को उनकी उपज का दाम मिलता था, न नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न चिकित्सा की व्यवस्था, न शिक्षा की व्यवस्था, कुछ भी इन प्रदेशों में नहीं मिल पाती थी। लेकिन विगत 15 वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश ने जो एक लंबी छलांग लगाई है, उस लंबी छलांग का परिणाम है कि किसानों की आय को सर्वाधिक बढ़ाने वाला राज्य आज मध्य प्रदेश बना है। किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम देने वाला प्रदेश और न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ बोनस देने वाला राज्य भी मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के समय में यहां की बदहाल सड़कें, विद्युत व्यवस्था जिस प्रकार से ध्वस्त हो चुकी थी, नक्सलवाद मध्य प्रदेश के अंदर दस्तक दे रहा था और डकैतों का आतंक भी इस मध्य प्रदेश के अंदर सर्वत्र दिखाई देता था। लेकिन इन 15 वर्षों के दौरान 2500 मेगावाट से 18000 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन की क्षमता को विकसित करके पावर सरप्लस राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को स्थापित करना, यहां के गांव या शहर में विद्युत की नियमित आपूर्ति करने के साथ साथ किसानों को भी 10 घंटे तक विद्युत की आपूर्ति करके मध्य प्रदेश ने किसानों के जीवन में जो खुशहाली लाने का कार्य किया वह एक सराहनीय पहल थी
मध्य प्रदेश की इस पहल ने यहां के किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, इसलिए संभव हो पाया श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक ईमानदार, एक कर्मठ, एक लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर कार्य कर रही थी। गरीबों के लिए चलने वाली चाहे वह खाद्यान्न की योजना हो, चाहे वह स्वास्थ्य बीमा की योजना, श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में यहां पर 2 लाख तक का स्वास्थ्य कार्ड पहले यहां गरीबों को दिया जाता था, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी बनी, हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड देने का कार्य कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मित्रों, कांग्रेस के एजेंडे में कभी विकास नहीं था। कांग्रेस ने इस देश को जाति के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर विभाजित करने का कार्य किया। कांग्रेस ने विकास नहीं बल्कि विकास की आड़ में आतंकवाद को, नक्सलवाद को और अलगाववाद को बढ़ावा दिया। आज जब मोदी जी के नेतृत्व में विकास देश के अंदर जाने लग गया तो जिस पूर्वोत्तर के राज्यों में कभी परमिट सिस्टम था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहां कार्य कर रही हैं। आज असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेघालय और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार है, और जब 11 दिसंबर को वर्तमान में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे तो पूर्वोत्तर के 7वें राज्य मिजोरम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नजर आएगी। जिन पूर्वोत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिल सकता, उन पूर्वोत्तर के राज्यों के अलगाववाद को समाप्त करके आज भारतीय जनता पार्टी का कमल न केवल वहां खिल रहा है पर तो वहां के चेहरों पर खुशहाली लाने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उन राज्यों में किया है। विकास जब भारतीय जनता पार्टी लाएगी, आतंकवाद से भारतीय जनता पार्टी निपटेगी, नक्सलवाद से भारतीय जनता पार्टी निपटेगी, नौजवानों के लिए रोजगार भारतीय जनता पार्टी लेकर के आएगी, नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, बिना भेदभाव के गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो या समाज के किसी भी तबके के उत्थान के लिए कार्य जब भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो फिर वोट पर अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। और यही अपील करने के लिए मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से आपके बीच आया हूं। मित्रों, मैं देख रहा था आपके विधायक श्री भंवर सिंह शेखावत जी का रिपोर्ट कार्ड, अद्भुत कार्य किया है उन्होंने। नर्मदा जी के पानी को इस बदनावर क्षेत्र में भी लाने की पहल उनके द्वारा, सांसद जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी की पहल पर जो कार्य होने जा रहा है, अद्भुत कार्य, यहां की धरती सोना उगलने का कार्य करेगी जब नर्मदा जी का पानी आएगा। यहां के किसानों के चेहरे पर न केवल खुशहाली आएगी, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनेगा। विकास और सुशासन का कोई विकल्प नहीं हो सकता और भारतीय जनता पार्टी इसी विकास और सुशासन को समर्पित होकर के कार्य कर रही है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। अब याद करिए कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल को, जब लोग सड़क के लिए तरसते थे, बिजली के लिए तरसते थे, स्वास्थ्य सुविधा के लिए तरसते थे, कहीं नक्सलवाद हावी था, कहीं डकैतों के गिरोह हावी थे, कहीं पर दंगे होते थे, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई दंगा करने का दुस्साहस करेगा? नहीं कर सकता।
कोई अपनी मर्जी से जबरन सड़कों पर अतिक्रमण कर पाएगा? नहीं कर सकता। कांग्रेस की सरकार के समय कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता था, हमारे लिए भय और दहशत का माहौल बन जाता था कि पता नहीं हम अपने पर्व और त्योहार को मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे। लेकिन मित्रों, 15 वर्षों में मध्य प्रदेश के अंदर जिस शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चली, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक से एक ऐतिहासिक कार्य करने प्रारंभ किए, आज दंगे भी समाप्त हुए, अराजकता भी समाप्त हुई, गुंडागिर्दी समाप्त हुई और नक्सलवाद और डकैतों का आतंक भी समाप्त हुआ। ये सुशासन का लक्षण है, जनता की बात प्राथमिकता के आधार पर सुन करके उस पर कार्रवाई होना और शासन की योजनाओं का लाभ आम गरीब तक, गांव तक पहुंचाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करना। जब यह कार्य शासन की प्राथमिकता पर होता है तो वह विकास और सुशासन का एक ऐसा मॉडल बनता है जो अन्यों के लिए भी प्रेरणादायी बनता है। और विगत 15 वर्षों में मध्य प्रदेश की विकास दर देश के अंदर अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक बढ़ने के कारण आज मध्य प्रदेश कह सकता है कि हम भी देश के विकसित राज्यों में हैं, हम बीमार राज्य नहीं हैं। आज मध्य प्रदेश भी दावा कर सकता है कि हम भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, कारण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन क्या कांग्रेस की सरकार में संभव था? कांग्रेस ने कौन सा ऐसा मौका चुका है जब उसने इस देश के बृहद हिंदू समाज को अपमानित न किया हो? कहीं कोई विपत्ति आती है, कहीं पर कोई भी ऐसी स्थिति पैदा होती है जब देश के अंदर कहीं कोई संकट दिखाई देता है, वह संकट चाहे कश्मीर के अंदर हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हो, चाहे गुजरात के अंदर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे बिहार के अंदर हो, या देश के अंदर कहीं भी, उस संकट के समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उस संकट के समय वहां पर कार्य करते हुए दिखाई देता है। लेकिन संकट के समय, देश के संकट के समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, उन्हें तब भारत याद नहीं आता, तब उन्हें नानी याद आती हो, इटली भाग जाते हैं। तो जब देश के संकट के समय राहुल को भारत का संकट नजर नहीं आता तो फिर राहुल गांधी को वोट मांगने का अधिकार भी नहीं है। और आज तो कांग्रेस के नेता इस बात को कह रहे हैं, आज तो कांग्रेस का हर नेता इस बात को कहता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती है। अब तक रिकॉर्ड रहा है, आप उठाकर देख लीजिए, आप पूरे देश के अंदर अब तक हुए जितने भी चुनाव हैं, मैं गुजरात के चुनाव में गया था, सारे चुनाव विश्लेषक कहते थे चुनाव जीतेगी कांग्रेस, और मैं जब वहां गया तो मैंने कहा भी देखो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो निश्चित चुनाव कांग्रेस को हारना है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की 403 सदस्यीय विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, और 403 में से कांग्रेस के पास केवल 7 विधायक हैं, 7, 8वां भी नहीं है। यानी कांग्रेस की दुर्गति, और तो कांग्रेस के विकास के मॉडल को देखना हो तो आप जाकर के कहीं और नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सभी पीढ़ियों ने, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का नेतृत्व उत्तर प्रदेश से ही उन्होंने जन प्रतिनिधित्व किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज राहुल गांधी तक। इन सभी से पूछिए, जिस अमेठी से इन्होंने सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किया उस अमेठी में जिला मुख्यालय का शिलान्यास विगत वर्ष मैंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को ले जाकर के करवाया। यानी जो कांग्रेस
अपने 55 वर्षों के शासन काल में जिला मुख्यालय का भवन न बना पाई हो, कलेक्ट्रेट का भवन न बना पाई हो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी का भवन न बना पाई हो, उस कांग्रेस से आप विकास की उम्मीद करते हैं? यह अपने आप में एक दिवा स्वप्न है। जिस कांग्रेस ने केवल विभाजन, आजादी के समय देश का विभाजन, आजादी के बाद इस देश के समाज को विभाजित करने की राजनीति खेली हो, उस कांग्रेस से कोई उम्मीद मत करिए। और आज तो कांग्रेस के एक नेता का नाम नक्सलवाद से भी जुड़ गया है। मित्रों, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, ये राजनीति देश के हित में नहीं, मध्य प्रदेश के हित में नहीं। और जब कांग्रेस इस प्रकार की विभाजन की राजनीति कर रही है, तो देश की जनता को चाहिए कि राष्ट्र की कीमत पर राजनीति करने वाली ऐसी कांग्रेस को एक सिरे से खारिज हम करें। और उसी खारिज करने के टीम के साथ आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं, 403 में से 7 विधायक जीत रहे हैं और वे 7 भी कांग्रेस के साथ नहीं, वैसे ही मैं आपसे कहूंगा कि मध्य प्रदेश में भी ऐसी स्थिति पैदा कर लीजिए, मध्य प्रदेश में भी ऐसी स्थिति बनाइए जिससे कम से कम विकास और सुशासन का जो संकल्प यहां पर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का है, वह हर घर तक पहुंच सके, हर गांव तक पहुंचा है, हर घर तक पहुंचा है। इसको और तीव्रता के साथ आगे बढ़ा करके मध्य प्रदेश को देश के समृद्धतम राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने की पहल को आगे बढ़ाया जा सके। कांग्रेस ने केवल विवाद खड़े किए हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, राहुल गांधी आपके मध्य प्रदेश में आए होंगे, पता नहीं यहां पर मंदिरों में गए कि नहीं गए दर्शन करने के लिए। लेकिन गुजरात में उन्होंने बहुत मंदिरों के दर्शन किए, लेकिन जब मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे घुटनों के बल बैठे, तो पुजारी को बोलना पड़ा कि भैया ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है, मंदिर में पालकी मार करके बैठा जाता है, ये घुटनों के बल बैठ करके यहां नमाज पढ़ने के लिए मंदिर में नहीं बैठते। वो कितना भी ये बताने का प्रयास करें कि मैं जनेऊ पहनता हूं, लेकिन मित्रों असलियत तो सामने आ ही जाती है। और हमारी वैचारिक विजय है जब राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, जनेऊ दिखाते हैं, तो हमारी वैचारिक विजय होती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक वारिस, इस देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, लेकिन अपने को एक्सीडेंटली हिंदू कहते थे, तो कम से कम एक्सीडेंटली हिंदू की वारिस का एक चौथी पीढ़ी का वारिस अपने को ये तो कहता है कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूं। क्योंकि हम तो यही बात कहते थे और उसी बात को लेकर के आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। इस देश के अंदर जितने भी विवाद हैं, उस विवाद की जड़ है कांग्रेस। जितना भी देश के अंदर आतंकवाद है, नक्सलवाद है, अराजकता है, इसकी जड़ है कांग्रेस। 2003 में अगर मध्य प्रदेश की इस महान जनता ने कांग्रेस को उखाड़ने का निश्चय नहीं किया होता, तो आज नक्सलवाद इन सब क्षेत्रों में धावा बोल करके जनजीवन को पूरी तरह तहस नहस कर रहा होता। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा यहां की जनता का, जिन्होंने 2003 में निर्णय लिया और विकास और सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत 15 वर्षों में जो नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है विकास और सुशासन के लिए, यहां के आम जन के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, उनके जीवन में व्यापक सुधार लाने के लिए,
उसकी एक झलक इस विधानसभा क्षेत्र में श्री भंवर सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में आप सबने देखा है। 544 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं अकेली एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5 वर्ष के अंदर इंप्लीमेंट हुई। और मित्रों, इतना बड़ा कार्य, और जब नर्मदा जी का शुद्ध जल यहां पर आएगा, लगभग 2000 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी परियोजना जब इस क्षेत्र में आएगी, यहां की पूरी तकदीर को बदल करके रख देगी। यहां के किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। यहां पर फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण के इतने सारे उद्योग लगने को तैयार हो जाएंगे कि यहां के नौजवानों को घर में ही नौकरी और रोजगार की संभावनाएं विकसित होती हुई दिखाई देंगी। मुझे याद है, आज से लगभग 15 वर्ष पहले मैं धार होते हुए गुजरात की तरफ जा रहा था। सड़कें इतनी ज्यादा खराब थी, परेशान थे हम लोग। लेकिन जब मुझे विगत दिनों जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैं देख रहा था बहुत अच्छी सड़कें, शानदार सड़कें। आज इन सड़कों पर चल करके अनुभव किया जा सकता है कि हम मध्य प्रदेश के अंदर की सड़कों पर चल रहे हैं। जब यहां पर बिजली दिखती है, आज एहसास हो सकता है कि गांव में भी बिजली मिलती है। नहीं तो 2-3 घंटे बिजली मिलती थी गांव में। जिला मुख्यालयों में 10-12 घंटे बामुश्किल बिजली मिल पाती थी। एक कांग्रेस का समय था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय में पावर सरप्लस राज्य बना है मध्य प्रदेश। जिस सरकार ने आपको नई उपलब्धियां दी हैं, जिस सरकार ने आपको गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, और जिस पार्टी ने मंच मध्य प्रदेश को उपलब्ध कराया है, उस भारतीय जनता पार्टी को बारंबार मध्य प्रदेश में आने का अधिकार होना चाहिए। और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि मित्रों, कांग्रेस ने देश के अंदर भी और आपके प्रदेश में भी सर्वाधिक दिनों तक शासन किया, वे कुछ नहीं कर पाए। उन्हें राष्ट्रीय गौरव का एहसास ही नहीं, वे करना भी नहीं चाहते। वे सत्ता के भूखे हैं, उनको इससे ज्यादा कुछ न, उनको सत्ता के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन जब हमें अवसर मिला, हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश में 1.5 वर्ष पहले मैं आया था, लोगों ने कहा सबसे पहले कार्य क्या, मैंने कहा जितने इलीगल स्लॉटर हाउसेज हैं इनको सबको बंद कर दो। हमने जितने भी बूचड़खाने थे सबको एक सिरे से वहां बंद करवाया। अपराधियों पर, नक्सलवादियों पर प्रभावी कार्रवाई करके आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बहन, कोई बेटी रात 12 बजे भी सुरक्षित अपने घर में जा सकती है, कहीं से भी आकर के जा सकती है। कोई उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। और अभी आपने देखा होगा, अयोध्या की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से। दीपोत्सव का कितना भव्य आयोजन वहां हुआ है। हमने उसे एक राष्ट्रीय आयोजन बनाया है, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बनाया है। और यही नहीं, अयोध्या को पहले लोग फैजाबाद के नाम से जानते थे। हमने कभी दुनिया इसको अयोध्या के नाम पे जान रही है, जनपद का नाम भी और कमिश्नरी का नाम भी हमने अयोध्या ही कर दिया है। अगले साल कुंभ होने जा रहा है। पहले लोग इलाहाबाद जाते थे, अब आपको प्रयागराज ही जाना पड़ेगा। प्रयागराज जिले का नाम भी, कमिश्नरी का नाम भी। मित्रों, जो आपकी भावनाएं हैं अयोध्या में, वो काम तो होना ही है। हम संवैधानिक मर्यादाओं में रह करके इन सब कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। देश की जनभावना का हर हाल में सम्मान होगा, इस विश्वास के साथ आज मैं आपके पास आया हूं। शेखावत जी के नेतृत्व में जो शानदार कार्य यहां पर हुआ है, सचमुच आप सबका मैं आह्वान करूंगा, एक बार जोरदार ताली बजाइए शेखावत जी के लिए और यहां के सांसद जी के लिए भी। और आप सबसे मैं अपील करूंगा, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं,
आप में से हर मतदाता हर कार्यकर्ता एक एक दो दो परिवार पकड़ ले, यानी हर आप में से हर व्यक्ति 10 मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए अपने आप को पूरी प्रतिबद्धता के साथ बजरंग बली के संकल्प के साथ जोड़ देगा कि राम काज कीने बिनो मोई कहां विश्राम। जब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ जाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भंवर सिंह जी शेखावत के सामने सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी और सबकी जमानतें जब्त होनी चाहिए। कमल निशान पर 28 नवंबर को भारी मतों से श्री भंवर सिंह जी शेखावत को कमल निशान पर वोट देकर के उन्हें चुनाव जिताने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।